तो इस वीडियो पे आपने कर दिया है क्लिक, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। इन्वर्टर एंड इन्वर्टर बैटरी वाली वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए आपका वापस से बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन देखिए दोस्तों, जब मुझसे कमेंट्स में आके अपनी लोड रिक्वायरमेंट बता के मुझसे बेस्ट इन्वर्टर और बेस्ट बैटरी का कॉम्बिनेशन पूछते हैं दोस्तों, तो पहली चीज तो ये कि मुझे बहुत खुशी होती है कि आप एटलीस्ट मुझे इतना एलिजिबल समझते हैं, इतना ट्रस्टवर्दी समझते हैं कि आप मुझसे ये चीज आके पूछते हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर दैट ऑल्सो। लेकिन देखिए, इन केस मेरे से एक भी कमेंट मिस हो गया, मैं ये चीज कभी नहीं चाहूंगा कि आप अपने लिए एक गलत बैंक डिसीजन ले, शॉपकीपर की बातों में आके, उसके बहकावे में आके दोस्तों आप अपने लिए एक गलत चीज अपने घर के अंदर ले आए। देखिए दोस्तों, मेरा इन वीडियोस को बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है और वो है आपको शॉपिंग का एक्सपर्ट बनाना दोस्तों, आपको इंडिपेंडेंट बनाना, ताकि आप खुद जान सकें कि भाई आपके लिए कौन सा इन्वर्टर और कौन सी इन्वर्टर बैटरी एक बेस्ट ऑप्शन बन सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं खोजटी। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप जान सकते हैं कि आपके घर के लिए कौन सा इन्वर्टर और इन्वर्टर बैटरी का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए बेस्ट सूटेबल ऑप्शन बन सकता है। इस चीज को याद रखिए दोस्तों कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया एंड तक बिना स्किप किए, आप शॉपकीपर की बातों में आए या ना आए, लेकिन दोस्तों शॉपकीपर आपकी बातों में जरूर आ जाएगा। आपको दोस्तों मैं इन्वर्टर एंड इन्वर्टर बैटरी लेने का एक एक्सपर्ट बना दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है और ये मेरा दावा भी है। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटी सी चीज आपसे कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को बनाने में मेरी बहुत मेहनत और रिसर्च लगी है दोस्तों, थोड़ी बहुत वैल्यू भी। इन केस अगर आपको इस वीडियो से मिलती है तो याद से इसको लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो का फ्लो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आज आप ही के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से समझाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने लिए एक बेस्ट इन्वर्टर और बैटरी को चुन सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो आप लोग मुझसे पूछते हैं वो ये है कि साहिल भाई ये बताओ कि कितने VA का इन्वर्टर हमारे लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो देखिए दोस्तों, इसको जानना बहुत आसान है, बस अब इस चीज को थोड़ा सा और ध्यान से सुनिए। देखिए यहाँ पे जो लोड रिक्वायरमेंट होती है वो डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। यहाँ पे किसी का काम एक पंखा एक लाइट से हो सकता है, किसी का काम दो पंखा दो लाइट से होता है, किसी का काम पंखे लाइट टीवी यहाँ पे पूरा यहाँ पे रेफ्रिजरेटर AC सबसे होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपली उन अप्लायंसेस को नोट डाउन कर लेना है जो आपको पावर कट हो जाने के बाद एक रनिंग कंडीशन में चाहिए। सपोजिटली आप मेरा एग्जांपल लीजिए, तो पावर कट हो जाने के बाद दोस्तों मुझे यहाँ पे चाहिए 3 बल्ब, मेरे यहाँ पे 3 फैंस, एक LED टीवी और एक रेफ्रिजरेटर रनिंग कंडीशन में। दोस्तों मैंने यहाँ पे सभी की पावर कंजम्पशन को एक जगह नोट डाउन कर लिया और यहाँ पे दोस्तों उन सभी को मैंने ऐड अप कर दिया। अब जो मेरे पास वैल्यू आई दोस्तों वो मेरी लोड रिक्वायरमेंट है, यानी कि मेरी लोड रिक्वायरमेंट 500 वॉट्स होने वाली है। अब देखिए दोस्तों, लाइट जाने के बाद जब ये पूरे अप्लायंसेस वापस से ऑन होंगे तो इन पे एक लोड आएगा, उसको हम कहते हैं जर्क लोड। और देखिए दोस्तों, आपका जो जर्क लोड है, हमेशा हमें क्या करना है, जो हमारे पास वैल्यू आई है हमेशा उसमें उसका 25% ऐड ऑन करके चलना है। तो देखिए दोस्तों, जर्क लोड ऐड करने के बाद मुझे 500 को 25% उसमें ऐड करना है। मेरे पास अब जो वैल्यू आ रही है दोस्तों वो हो जाएगी मेरी 625 वॉट्स की। तो देखिए दोस्तों, वैल्यू तो मेरे पास वॉट्स में आई है, लेकिन मुझे आंसर चाहिए अपना V यानी कि वोल्ट एम्पियर के अंदर। अब हम क्या करें, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे काम करती है आपकी इन्वर्टर की एफिशिएंसी। सपोजिटली मेरे इन्वर्टर की एफिशिएंसी 90% है, तो दोस्तों मेरे पास जो वैल्यू आई है मैं उसको डिवाइड कर दूंगा 0.9 से। अगर आपके इन्वर्टर की एफिशिएंसी 80% 70% है दोस्तों, तो आप अपनी वैल्यू को 0.8 0.7 से डिवाइड कर सकते हैं। दोस्तों अब जो मेरे पास वैल्यू आने वाली है वो वैल्यू होने वाली है VA के अंदर। मेरे पास जो वैल्यू दोस्तों वो 694 VA तक की है, तो अब मैं क्या करूंगा, मार्केट में जाऊंगा और अपने लिए एक 700 VA का इन्वर्टर ले आऊंगा। देखिए दोस्तों, इतना आसान था अपने लिए जानना कि आपके लिए कितने VA का इन्वर्टर एक बेस्ट ऑप्शन बनने वाला है। देखिए एक और बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो आप लोग मुझसे कॉन्स्टेंटली पूछते हैं दोस्तों, वो ये है कि आपके लिए इन्वर्टर या फिर UPS, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहने वाला है। देखिए दोस्तों, मैं अगर बात करूं यहाँ पे इन्वर्टर की, तो देखिए यहाँ पे पावर कट हो जाने के बाद आपको जो पावर सप्लाई है 2 या 3 सेकेंड बाद मिलता था,
लेकिन देखिए जिस चीज का नाम ही अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है यानी कि यूपीएस है, तो दोस्तों आप जान सकते हैं कि पावर कट हो जाने के बाद आपको वहां इंस्टेंटली बहुत अच्छे से पावर सप्लाई मिलने वाला है। आपको पता ही लगेगा कि भाई आपके घर में लाइट जा चुकी थी। तो देखिए अगर आप कंप्यूटर वगैरह पे ज्यादा रहते हैं, मैं इस चीज को बहुत अच्छे से जानता हूं दोस्तों कि छोटा सा पावर कट हमारा कितना डेटा एंड इनफैक्ट टाइम लॉस करवा सकता है। तो देखिए दोस्तों अगर इस चीज को मैं ध्यान रखूं तो मैं यूपीएस को लूंगा। लेकिन एक और चीज दोस्तों अब याद रखिए कि अगर आप आजकल जा रहे हैं मार्केट के अंदर एक इन्वर्टर को लेने, तो दोस्तों इन्वर्टर के अंदर आपको मिल जाएंगे दो स्पेसिफिक मोड्स। पहला होता है आपका इको मोड एंड दूसरा होता है आपका यूपीएस मोड। देखिए दोस्तों इको मोड के अंदर आपका सेम प्रोसीजर फॉलो अप होता है, लेकिन आपका इको मोड में दोस्तों जो इन्वर्टर है वो काफी एनर्जी एफिशिएंट होता है। आपको पावर बैकअप 2-3 सेकंड बाद मिलता है दोस्तों, लेकिन एनर्जी एफिशिएंट वो बहुत कमाल का होता है। लेकिन अगर आप इन्वर्टर को यूपीएस मोड पे यूज करें दोस्तों, तो आपको यहां पे भी पावर इंस्टेंटली मिलने वाली है। देखिए दोस्तों मेरी पर्सनल प्रेफरेंस इन्वर्टर और यूपीएस के बीच में इन्वर्टर है, क्योंकि मैं यहाँ पे इन्वर्टर को इन्वर्टर की तरह इनफैक्ट उसको यूपीएस की तरह भी यूज कर सकता हूँ। आपकी क्या प्रेफरेंस है आप मुझे ये चीज कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। देखिए एक और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ये है कि आपके लिए स्क्वायर वेव इन्वर्टर या फिर साइन वेव इन्वर्टर में से कौन सा इन्वर्टर एक बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों इसको जानने से पहले आइए सबसे पहले इस चीज को समझते हैं कि हमारे घर पे जितने भी अप्लायंसेस हैं वो सभी के सभी एक 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे रन होने के लिए सेट है। अब इस चीज को याद रखिए दोस्तों कि अगर आप एक स्क्वायर वेव इन्वर्टर को यूज कर रहे हैं, पावर कट हो जाने के बाद दोस्तों आपका स्क्वायर वेव इन्वर्टर डायरेक्ट करंट सप्लाई करेगा आपकी इन्वर्टर बैटरी से आपके अप्लायंसेस को। अब दोस्तों जो करंट सप्लाई हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है या नहीं है, इस चीज से स्क्वायर वेव इन्वर्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, वो उस चीज को मॉनिटर करता ही नहीं है। ऐसे में दोस्तों क्या होता है कि आप स्क्वायर वेव इन्वर्टर से मोस्टली आई वुड ओनली रिकमेंड कि आप सिर्फ और सिर्फ फैन और लाइट ही चला सकते हैं। अगर आप और डिफरेंट अप्लायंसेस को यूज कर रहे हैं स्क्वायर वेव इन्वर्टर के साथ, उनके खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक स्टेबलाइज फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती है। वैसे दोस्तों बात करूं मैं यहाँ पे साइन वेव इन्वर्टर की दोस्तों, तो यहाँ पे पावर कट हो जाने के बाद आपका साइन वेव इन्वर्टर एग्जैक्ट स्टेबलाइज करेगा दोस्तों आपकी फ्रीक्वेंसी को 50 हर्ट्ज पे, और वही पावर करंट को सप्लाई करेगा आपके इन्वर्टर बैटरी से आपके डिफरेंट अप्लायंसेस पे। वो बिल्कुल स्टेबलाइज होगी दोस्तों, और यही चीज मुझे बहुत पसंद आती है। इस चीज को याद रखिए दोस्तों कि आप साइन वेव इन्वर्टर से ना ही सिर्फ अपने घर के फैन और लाइट यूज कर सकते हैं, इनफैक्ट अपने घर के और डिफरेंट अप्लायंसेस को भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। इनफैक्ट आपके और डिफरेंट अप्लायंसेस की हेल्थ के लिए भी साइन वेव इन्वर्टर एक बेस्ट ऑप्शन बनने वाला है दोस्तों। मेरी पर्सनल पिक आप सभी के लिए साइन वेव इन्वर्टर है, लेकिन अगर आप फिर भी स्क्वायर वेव इन्वर्टर को चुनते हैं दोस्तों, देन आई वुड रिकमेंड कि आप उसको तभी चुनिए जब आपका बजट कम हो, दूसरा आपके घर के आसपास कम लाइट जाती हो, तीसरा आपको सिर्फ और सिर्फ पंखे और लाइट ही यूज करने हो लाइट जाने के बाद। देखिए दोस्तों आपकी इन्वर्टर के अंदर एक बायपास स्विच भी बिल्कुल होना ही चाहिए। रीजन देखिए, अगर आपका इन्वर्टर खराब हो गया और आपके घर का पावर सप्लाई इन्वर्टर के थ्रू आपके अप्लायंसेस पे जाता है दोस्तों, तो ऐसे में आपको करंट नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आप बायपास स्विच को दोस्तों ऑन करते हैं अपने इन्वर्टर में, तो आपका पावर सप्लाई डायरेक्टली आपके अप्लायंसेस पे जाएगा, और दोस्तों ऐसे में आपको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिलेगा। तो देखिए याद रखिए कि आपके इन्वर्टर के अंदर बायपास स्विच डेफिनेटली होना ही चाहिए। देखिए दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने याद रखनी है, वो ये है कि आपके इन्वर्टर के अंदर अलार्म इंडिकेशंस भी होने चाहिए। बैटरी ड्रेन आउट हो गई या फिर बैटरी को चार्ज करना है, कोई दिक्कत है दोस्तों, ये सब चीजें आपका इन्वर्टर आपको अपने अलार्म्स के थ्रू अवेयर करना ही चाहिए। तो इस चीज को भी दोस्तों बिल्कुल याद रखिए। देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, वो ये है कि आपके इन्वर्टर के अंदर एक डिजिटल डिस्प्ले है, तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बेस्ट ऑप्शन बन सकती है। आप जान सकेंगे दोस्तों कि आपके इन्वर्टर की बैटरी कितना चार्ज हो चुकी है, कितना चार्ज होना रहती है, इनफैक्ट आपका सप्लाई कितना हो रहा है दोस्तों, ये सब चीजें दोस्तों आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बेहतर है। तो अगर आपके इन्वर्टर में डिजिटल डिस्प्ले है दोस्तों, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों आपके इन्वर्टर के साथ आपकी बैटरी कंपैटिबिलिटी। अब आप जान चुके दोस्तों इन्वर्टर के बारे में, अब जानते हैं इन्वर्टर बैटरीज के बारे में। देखिए एक और बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो आप लोग मुझसे इन्वर्टर बैटरी को लेकर पूछते हैं दोस्तों, वो ये है कि आपकी कितने एएच की बैटरी की रिक्वायरमेंट है, आपको कितने एम्पियर आवर की बैटरी की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। तो देखिए दोस्तों इस चीज को जानने से पहले इस चीज को अपने दिमाग में डाल लीजिए कि आपको मार्केट के अंदर 68 से लेके 220 तक की इन्वर्टर बैटरी मिलने वाली है दोस्तों। अब यहां पे बैटरी का एज जानने के लिए हमें वापस से थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी।
देखिए दोस्तों, अगर आपको याद हो तो जो मेरी लोड रिक्वायरमेंट थी जर्क लोड ऐड करने के बाद वो 625 वॉट्स तक की थी। दोस्तों अब मैं क्या करूंगा, बैटरी का एज निकालने के लिए मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा उसके बैकअप टाइम से कि मुझे कितने ड्यूरेशन के लिए वो पूरा बैकअप चाहिए। दोस्तों मुझे सपोजिटली बैकअप चाहिए 3 घंटे का, तो मैं यहां पे क्या करूंगा 625 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से। अब जो मेरे पास वैल्यू आएगी मैं उसको डिवाइड कर दूंगा दोस्तों 12 से। अब 12 क्यों? देखिए दोस्तों, इन्वर्टर बैटरी की जो यहाँ पे वोल्टेज होने वाली है वो 12 वोल्ट्स होने वाली है। अब देखिए दोस्तों, मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 156 एएच के आसपास। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली मार्केट में जाऊंगा और अपने लिए एक 160 एएच की बैटरी लेके आऊंगा। देखिए मेरा काम यहाँ पे सिंगल इन्वर्टर बैटरी से हो पा रहा है दोस्तों, लेकिन अगर आपके दिमाग में डाउट है कि आपका काम शायद सिंगल बैटरी से होगा या डबल बैटरी से, और आप कंफ्यूज है कि भाई अब क्या करें दोस्तों, तो अब इस चीज को वापस ध्यान से सुनिए। देखिए सारी कैलकुलेशन करने के बाद अगर आपके यहाँ पे जो पूरे एएच आ रहा दोस्तों वो अराउंड 300 एएच तक आ रहा है, आपने घबराना नहीं है। देखिए मैं जानता हूं कि मार्केट के अंदर 220 एएच तक अवेलेबल है, आपकी वैल्यू 300 एएच आ चुकी है दोस्तों। आपने इसमें आप कुछ नहीं करना, आपने मार्केट में जाना है, अपने लिए दो बैटरी लेनी है। एक का एएच 150 होने वाला है, दूसरे का भी एएच 150 होने वाला है। अब देखिए दोस्तों, आपने यहाँ पे डबल बैटरी को आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा इस 300 एएच की वैल्यू के लिए। दोस्तों इस बैटरी का यहाँ पे जो वोल्टेज है वो 12 होने वाली है, इसकी भी वोल्टेज 12 होने वाली है। देखिए दोस्तों, अपने यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ पे जो इन्वर्टर है वो 12 वोल्ट्स का नहीं बल्कि 24 वोल्ट्स का लेना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत सिंपल था, ये चीज आप भी कर सकते हैं। दोस्तों आप में से ऐसे अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूज हैं कि आपके लिए फ्लैट प्लेट बैटरी या फिर टॉल ट्यूबुलर बैटरी में से कौन सी बैटरी एक बेस्ट ऑप्शन बनने वाली है। देखिए मैं इसका आंसर आपको लिटरली स्ट्रेट फेस एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड दूंगा दोस्तों कि आपके लिए टॉल ट्यूबुलर बैटरी से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपके घर के आसपास कम फ्रीक्वेंसी पे लेकिन ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए पावर कट्स होती हैं दोस्तों, तो आपके लिए टॉल ट्यूबलर बैटरी बेस्ट है। ऑल्सो इस चीज़ को याद रखिए दोस्तों कि आपकी टॉल ट्यूबलर बैटरी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड परफॉर्मेंस दोनों के दोनों आपकी फ्लैट प्लेट बैटरी से कई ज़्यादा बेहतर होती है। बस दोस्तों फ़र्क इतना है कि ये थोड़ी सी महंगी होती है, अदरवाइज आई वुड ऑलवेज रिकमेंड दोस्तों कि आप हमेशा टॉल ट्यूबलर बैटरी की तरफ ही जाइए। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में मेरा जो एक एडिशनल टिप है आप सभी के लिए वो ये रहेगा कि अगर आप इतना सारा पैसा इन्वर्टर और इन्वर्टर बैटरी पे खर्च कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको वारंटी भी बिल्कुल अच्छी मिलनी चाहिए। रीजन देखिए दोस्तों, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो ये मार्केटिंग टेक्निक या फिर मैं कहूँ बहुत स्मार्ट प्ले कर रहे हैं कि दोस्तों आपको ब्रांड दावे से कहेगा कि भाई इस प्रोडक्ट पे मिल जाती है आपको 4 साल की वारंटी, इनफैक्ट 5 साल की वारंटी। अब देखिए दोस्तों, उनकी वारंटी को अगर आप क्लोजली देखेंगे तो आप देखेंगे कि भाई 3 पे स्टार है और एक 1 या 2 पे स्टार है। अब ये क्यों है? देखिए दोस्तों, जो आपकी 3 स्टार वाली जो वारंटी आपको 3 साल तक तो मिलने वाली है, लेकिन जो बाकी का बचा वो 1 या 2 पे अगर स्टार है दोस्तों, तो यहाँ पे ब्रांड आपसे कह रहा है कि भाई बाकी के बचे हुए 1 साल या 2 साल के अंदर आपको कोई भी रिपेयरिंग कॉस्ट जो आती है दोस्तों वो देनी पड़ेगी। अब देखिए, अगर आपकी इन्वर्टर बैटरी में दिक्कत है दोस्तों, तो आपको रिपेयरिंग कॉस्ट देनी पड़ेगी या फिर आपको जो ब्रांड है ये चीज़ बोलेगा कि भाई अपनी पुरानी इन्वर्टर बैटरी को एक्सचेंज करके नई इन्वर्टर बैटरी ले लो। तो देखिए दोस्तों, कुछ ना कुछ आपको कॉस्ट पे करनी ही पड़ेगी, लेकिन वारंटी वाले दोस्तों फीचर को बिल्कुल याद रखिए, इस चीज़ को प्रिसाइसली देखिए कि हम हमेशा एक ऐसे ब्रांड की तरफ जाए जहाँ पे लिटरली एक फिक्स्ड वारंटी हो, या फिर अगर फिक्स्ड वारंटी नहीं है तो एटलीस्ट अच्छी खासी वारंटी हमें देखने को मिलनी ही चाहिए। दोस्तों ये वो सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपने बिल्कुल याद रखने हैं एक इन्वर्टर और इन्वर्टर बैटरी को लेने से पहले। तो आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई और आपके सारे डाउट्स इन्वर्टर और इन्वर्टर बैटरी को लेकर क्लियर हो चुके हो दोस्तों, लेकिन अगर फिर भी कोई दिमाग में डाउट या क्वेरी है दोस्तों, तो आप मुझसे ये चीज आके कॉमेंट सेक्शन में पूछिए, क्योंकि मैं आपके कॉमेंट को रिप्लाई करना बिल्कुल भी नहीं भूलता। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपको बता दूं कि हम ऑलरेडी इन्वर्टर एंड इन्वर्टर बैटरी के ऊपर वीडियोस बना चुके हैं, अगर आप उनको देखना चाहते हैं दोस्तों तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में दे दूंगा, आप उनको सिंपली देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मेरी बहुत मेहनत लगी है, याद से इसको लाइक कर देना अगर थोड़ी बहुत वैल्यू आपको इस वीडियो से मिलती भी है तो। चलिए फिर मैं साहिल मिलूंगा आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।